नमस्कार। रसिया अब भारत का दोस्त नहीं रहा। जी हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होते जा रही है। जी, रसिया की सेना पाकिस्तान में क्या कर रही है? ये सुन के अजीब लगता है कि रसिया, जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था, वो रसिया अब पाकिस्तान के साथ, और रसिया की सेना पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के साथ इंगेजमेंट कर रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो आखिर ये सारी चीजें हुआ क्या है, और इंडिया को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि आपको चूज करना है कि आप दुनिया के दो पावरों में से, या तो कहिए अब तो रियली रसिया उस तरह का पावर रहा नहीं इकोनॉमिक वाइज, लेकिन अभी भी मिलिट्री वाइज है, तो चूज करना होगा। क्योंकि जो बाइडन, जो कि अब लगभग ये तय है, जी हाँ, अभी तक हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हार नहीं माने हैं, क्योंकि वो अपने आप को बैड लूजर बताते हैं, तो हार नहीं माने हैं, लेकिन अब ये खुल के आ रही है सामने कि वो जो बाइडन वहां का राष्ट्रपति बन जाएंगे, अगर कोई मिराकल नहीं होता है तो वो अपने आप को रसिया का सबसे बड़ा इनमी बताते हैं, मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा इनमी जो दुश्मन है वो रसिया ही है। तो इंडिया को चूज करना होगा रसिया और अमेरिका के बीच। अभी मैं बताता हूं आखिर हुआ क्या। रसिया के आर्मी, जी हाँ, स्पेशल फोर्सेस 70 सदस्यीय दल पाकिस्तान आई है ध्रुजवा एक्सरसाइज करने के लिए, जो दो हफ्ते तक चलेगी, बहुत दिनों तक चलेगी, 8 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेगी। और सिर्फ यही बात नहीं है, यह पहली बार नहीं है, 2016 से रसिया और पाकिस्तानी आर्मी दोनों ड्रिल्स कर रहे हैं। अब ये आखिर हो क्यों रहा है, रसिया का एंगेजमेंट चाइना के, पाकिस्तान के साथ बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, रसिया अपना हथियार बेचना भी पाकिस्तान को शुरू किया था। हालांकि MI-35 हेलीकॉप्टर भी बेचे गए थे, और लगभग आधा दर्जन के करीब, लेकिन इंडिया ने जब दबाव देना शुरू किया तो उनको बंद करना पड़ा सप्लाई हथियार। बाद में आया टैंक भी खरीदेंगे, उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि इंडिया के दबाव में आए हो, सबसे बड़ा कारण है कि उनको पता लगा कि पाकिस्तान खरीद कितना सकता है उनसे, इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान क्या खरीद सकता है। तो वो सोचे कहीं हम इंडिया को लूज ना कर दें, इसके कारण उन्होंने वो सप्लाई बाद में और रोक दी। लेकिन 5 MI-35 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी अटैक हेलीकॉप्टर है पाकिस्तान को दिए। ये सारी चीजें हो क्यों रहा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान लगभग सबॉर्डिनेट स्टेट बन चुका है चाइना का। जी तो, और रसिया और चाइना का इंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा हो गया है इकोनॉमिक वाइज, $200 बिलियन का व्यापार है। जी, और हर एक जो भी आप वर्ल्ड में फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें रसिया और चाइना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और दोनों अमेरिका को कॉमन एनिमी मानते हैं, और चूंकि दोनों की दोस्ती है पाकिस्तान और चाइना की, तो ऑब्वियसली है रसिया के साथ उनकी दोस्ती बढ़ेगी, और इंडिया के साथ दिन प्रतिदिन हरास आएगी, इसमें सबसे बड़ी बात है। हालांकि कुछ दिनों तक रसिया कोशिश करेगा कि इंडिया के साथ वो फ्रेंडशिप बना रहा है, बिकॉज अभी इंडिया उनके साथ हथियार खरीदता है, तो अभी तक का यही न्यूज है। और इंडिया को सोचना चाहिए इस पे कि रसिया क्या हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, भविष्य में रहने वाला है, क्योंकि जहां भी कोशिश होती है वो हमारे इंटरेस्ट को हार पहुंचा सकता है तो पहुंचाता है रसिया। जी हाँ, जैसे कि अब इंडिया को इसलिए भी विश्वास नहीं करने चाहिए कि इवन दो आर्मेनिया के साथ उसका संधि है, लेकिन उन्होंने आर्मेनिया को साथ नहीं दिया। क्यों नहीं साथ दिया? क्योंकि वो उसको हथियार सप्लाई करता था अजरबैजान को रसिया, और रसिया अपने, जी हाँ, अपने इंटरेस्ट के, रसिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो रसिया फिर क्यों दे साथ जाके? तो रसिया एक रिलायबल पार्टनर भी है, उस तरह का नहीं है। इसका ग्रेट एग्जाम्पल है आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध। तो जो भी आप मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद।